नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा पूजा डिजाइन्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बॉक्स प्लेटेड एक 3 to 4 ईयर गर्ल के लिए एक स्कर्ट बनाने जा रही हूँ, उसका वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो हमारी इसकी कमर की जो टोटल लंबाई है वो है 19 इंच, तो मैंने इसमें 1 इंच बढ़ाकर इसको 20 इंच लिया है। तो इस तरीके से हमने ये जो दो पट्टियाँ हैं मैंने ये दो पट्टियाँ ये 30-30 इंच की दो पट्टियाँ काटी हैं हमें, जो हमारा कमर का जो साइज होता है, जैसे फ्रंट भाग में 10 इंच और बैक साइड में 10 इंच, तो उसका 3 गुना लेना होता है बॉक्स प्लेटेड जब हम बनाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ और इन दोनों को पट्टियों को हम ज्वाइंट कर लेंगे, फिर बॉक्स प्लेट इसमें लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारी घेर का हो गया और ये मैंने बेल्ट के लिए 4 इंच की ये पट्टी ली है। तो टोटल जो हमारी कमर है वो 20 इंच, 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो मैंने ये टोटल 11 इंच की ये पट्टी ली हुई है और इस तरीके से हम इसको जब डबल फोल्ड करेंगे तो ये लगभग पौने लगभग ये 1.5 इंच की ये रह जाएगी। और इलास्टिक हमें फ्रंट साइड में हमें बेल्ट लगाना है और बैक साइड में ये इलास्टिक लगाना है। तो फ्रंट में हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच का हमें जो बुकरम पट्टी का बेल्ट आता है वो यहाँ पे लगाना है। और जो ये मैं बैक साइड में जो 10 इंच की हमारी ये पट्टी होगी, तो उसमें ये मैंने 6.5 इंच का ये इलास्टिक काट के लगाया है ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी रहे और ये फ्लेक्सिबल रहे। और ये जो पीस है, ये दो पीस है जो मैंने इसको इसकी लाइनिंग के लिए ये काटा हुआ है। तो चलो हम आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉक्स प्लेटेड के लिए जो हम ये जो प्लेट बनाएंगे उसके लिए, जैसे जितनी हमारी टोटल लंबाई होती है इसकी जो कमर की, उसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये 3 गुना लिया है। तो 3 से डिवाइड करके हमारा जितना इंच आता है उतने इंच की हमारी प्लेट यहाँ पर डलने वाली है। तो चलो मैं आपको स्टिचिंग करके और इनकी जो प्लेट किस तरीके से डालते हैं वो दिखाती हूँ। अब मैंने क्या है, ये दोनों पट्टियों को आपस में इस तरीके से बीच में से जोड़ लिया है और 3-3 इंच पर मैंने यहाँ पर इस तरीके से, देखो ये कट के निशान 3 इंच 3 इंच करके चौक से, तो आप निशान लगा लीजिए या फिर आप कट करके इसको इस तरीके। अब हमें क्या करना है, ये निशान और ये निशान के बीच में हमारी 3 इंच की जगह है, तो हमें क्या करना है, इस निशान से इधर इसको रख के इस तरीके से हाथ से प्रेस करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर पिन लगा लेते हैं। ये हमने हमारी जो बॉक्स प्लेट क्या होती है कि ये आमने सामने डलती है। और अब हमें ये हमारे दूसरा नंबर का जो कट है 3-3 इंच पे जो हमारे कट है, इस तरीके से इसको मैंने उठाया और इधर रख लिया दूसरे कट पर इस तरीके से। देखो ये बॉक्स प्लेट इस तरह की आती है। तो ये इस पर आप प्लेटें डालते जाइए और उन पे पिन लगाते, पिन भी लगा सकते हैं और आप हाथ से कच्चा टांका भी इसमें दे सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैंने इसको, इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्लेट हमारी इस प्लेट के बिल्कुल इक्वल ऐसे बराबर से आनी चाहिए एकदम फिनिशिंग के साथ। और ये कपड़ा जो है उसको यहाँ ध्यान से यूं रखते हुए हमें न तो ऊपर ज्यादा कपड़ा लेना है और न ही कम। अब हमें यहाँ भी एक पिन लगा लेनी है। ये लगा ली मैंने। अब इसको ये कट को उठाकर हमें इधर रखना है इस कट पर बिल्कुल। तो फिर यहाँ इस तरीके से पिन लगा लेनी है। फिर ये हमारा जो कट है, इस तरीके से हमें दोनों पट्टियों को कंप्लीट आमने सामने यूं प्लेट बना बना कर इन पर पिन कर लेना है।
ये देखिए, और ये इस तरीके से आमने सामने ये यूं ही हमारी प्लेट पिन लगाते जाएंगे, इस तरीके से ये हमारी प्लेट आमने सामने ये पड़ती जाएंगे। इस तरीके से मैं इसमें पूरे में प्लेट लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से ये देखो, मैंने लगभग मेरी जो पट्टियाँ पट्टियाँ दोनों को ज्वाइंट करके इस तरीके से पूरी प्लेट लगा ली है। अब हम इनमें ये इधर का पोर्शन और इसको हम जो प्लेट इस तरीके से डालेंगे, तो हमें ये दोनों साइडों को यहाँ से जब हम ज्वाइंट करेंगे तो ये इस तरीके से इस प्लेट को स्टिचिंग करते वक्त छोटी सी एक प्लेट डालकर इसको यहाँ से इस तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखो, ये छोटी स्कर्ट की शेप कुछ इस तरीके से हमारी आएगी। तो अभी मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें इस तरीके से रख के यहाँ पर जहाँ हमने ये पिन अटैच की हुई है, यहाँ से हमें लगभग 2.5 इंच या 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, और ये लगभग मैं 2 इंच पर इसमें या 1.25 इंच पर एक निशान लगाती हूँ। लगभग लगभग 1.25-2 इंच पर हमें यहाँ पर इस सिलाई को अंदर की साइड लाना है। ये इस तरीके से आप चौक से पहले निशान लगा लें ताकि वो हमारी जो नाप है 2 इंच की वो एकदम बराबर आए और छोटी बड़ी ना हो। ये छोटी बच्ची का स्कर्ट है इसलिए 2 इंच पे, और अगर हम बड़ी लड़की का उसका स्कर्ट बनाते हैं या किसी और गाउन वगैरह में बॉक्स प्लेटेड डालते हैं तो ये लगभग 4 इंच तक हम इसकी सिलाई को लेके आते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ इस तरीके से ये हमें यूँ बराबर बराबर इनको प्लेट को पकड़कर नीचे से हमें ध्यान रखना है कोई प्लेट हमारी फोल्ड न हो। ये देखिए, अब हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है, इसमें इस तरीके से सिलाई लेके आते हुए हमें यहाँ यूँ सिलाई को रोकना है, फिर इसको उठाकर मशीन को कबूत और फिर इसको सीधी हमें जहाँ हमने 2 इंच पर निशान लगाया था वहां तक हमें सिलाई को लाना है, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ। हमारी सिलाई यहाँ सुई की नोक अंदर कपड़े में लेते हुए इसको यूं किया, और जो हमारी ये दूसरी प्लेट है उस पर हम इसे लेके आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से मोड़ते हुए सिलाई होने के बाद आप पिन को हटाते जाइए और सिलाई करते जाइए। अब इसको सीधा कर लें इस तरीके से। देखो ये यहाँ से कितनी सुंदर बन के यहाँ जो प्लेट हमारी तैयार होती है। अभी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब हमें जो हमारी दूसरी प्लेट है उस पर भी हमें ऐसे ही लाना है। इसको ही अंदर करिए नोक की और इसको सीधा किया इस तरीके से, और सीधी सीधी जहाँ हमने निशान लगाया था वहां तक हमें इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। और फिर सुई की नोक अंदर रखते हुए इसको इस तरीके से यूं लेके आए हम, और फिर ये डाल के बस थोड़ी सी दबाव वाली सिलाई हमें यहाँ डालनी है एकदम फिनिशिंग के साथ। ये बिल्कुल किया, और ये देखिए ये जैसे ये हमारी एकदम ये सिलाई ऐसी इस तरीके से आ रही है, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और इस तरीके से हम इसमें पूरी में कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से स्टिच करते हुए हमने ये सारी प्लेटों को स्टिच कर लिया है, और इसमें ये जो निशान लगाया था हमने वहां तक कंप्लीट कर लिए।
देखिए, ये हमने, ये हमारी देखो इस तरीके से कितनी अच्छी बॉक्स प्लेट बन के रेडी हुई है। मैं अभी आपको इनको, अब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इस पर प्रेस करके और फिर पूरा इसको पीछे से भी हमारी देखो ये इस तरीके से आई है कितनी सुंदर। और ये बन, अब हम यहाँ पर कुछ भी कोई फैंसी मोती वगैरह अटैच करके मैं अभी आपको बेल्ट लगा के फिर दिखाती हूँ। अब हमें नेक्स्ट जो काम करना है वो करना है इस पर लाइनिंग लगा के। अब ये हमने लाइनिंग काटी थी, सबसे पहले मैं लाइनिंग के दोनों जो पोर्शन है इनको जोड़ लूंगी। तो ये हम इस तरीके से इसको लाइनिंग, कॉटन में मैं इसकी लाइनिंग लगाने वाली हूँ। ये देखिए, ये हमारी स्कर्ट है, मेरी स्कर्ट, ये टोटल इसकी लंबाई 9 इंच है। ये हमारे जो नी होते हैं उनसे भी वहां तक की छोटी बच्ची की स्कर्ट है। ये मेरी लाइनिंग है, तो ये लाइनिंग को इस तरीके से आप रखकर ये देखिए कि आपके ये नीचे इतनी है, तो हमें इसे पलटना है। तो ये लगभग इतनी हमें इसके अंदर की साइड इसको फोल्ड करना है, लगभग 2 इंच। देखते हुए मेरा कितना है, ये 2.5 इंच हमारा आ रहा है। तो आप 2.5 2.5 इंच करके पूरे राउंड शेप में एक बार इस तरीके से निशान लगा लें। नीचे से मैं इस पट्टी को थोड़ा सा ज्यादा फोल्ड कर रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा थोड़ा उठा उठा उभार रहे और स्कर्ट एकदम खुली खुली नजर आए। आप इसमें पतला पतला भी इसको मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी थोड़ा सा ज्यादा मोड़ने वाली हूँ। कॉटन का ये हमने फैब्रिक लिया है, मैं इसमें केन केन वगैरह कुछ नहीं लगा रही, छोटा बच्चा है उसके लिए एकदम कंफर्टेबल रहती है विदाउट केन। ये तो इस तरीके से हम इसमें पूरे में निशान लगा लेते हैं और फिर इस हम इसे मोड़ के सिलाई करके दिखाती हूँ। अब मैंने दी ये लाइनिंग इसके नीचे इस तरीके से इसको अटैच कर लिए। अब हमें जो हमारी ये मेन फैब्रिक है उसके नीचे फोल्डिंग के हमें सबसे पहले ये जो पट्टी लगानी है, ये मैंने इसकी एक नाप की नीचे 1.5 इंच की इस तरीके से एक पट्टी काट के रेडी की हुई है। मैं इसको इस पर अटैच कर लेती हूँ, नीचे की साइड इसको फोल्ड कर देंगे। तो मैं इसको पट्टी हमारी इधर उल्टी साइड में लेके इसको पूरी राउंड शेप में इस तरीके से एक बार इसको ऐसे पूरे घेर में हमें इसे अटैच कर लेते हैं और फिर इसको नीचे की साइड हमें फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसके बॉटम पर नीचे ये पट्टी इसकी जॉइंट कर ली है, उसको हमने पलट दिया है। और अब मुझे, मैं इसका ये बेल्ट जॉइंट कर रही हूँ इसका, तो मैंने इसको बेल्ट को चारों तरफ से पिनअप कर लिया है और फ्रंट साइड में ये बुकरम की एक ये पट्टी लगाई हुई है और बैक साइड में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो एक बार हम इसको जो बेल्ट है उसको स्कर्ट के साथ पूरे को अच्छे से स्टिच कर लेते हैं, फिर इसको पलट कर बुकरम की पट्टी को आगे की साइड ये फोल्ड हो जाएगी। इस तरीके से इसको पूरी में बेल्ट इस तरीके से अटैच कर लें। नीचे के कपड़े को और ऊपर के कपड़े को आप अच्छे से पकड़ के बराबर से लेके और पूरे में इस तरीके से एक बार सिलाई कर लें। पिनअप करने से हमारा बेल्ट एकदम कहीं झोल नहीं आता और वो अच्छे से अटैच हो जाता है। अटैच करते जाएं और इस तरीके से पिन को हटाते जाइए। ये पूरे में मैं इस तरीके से सिलाई लगा लेती हूँ, बिल्कुल बराबर बराबर पकड़ते। ये पूरे बेल्ट की हमारी सिलाई हो चुकी है। आप जब बेल्ट कटिंग करें तो कमर के हिसाब से पूरा उसको मेजर करके ही करें।
ये मैंने, ये देखिए ये पूरा बेल्ट हमारा अटैच हो गया। मैंने इसकी टोटल लंबाई चौड़ाई सॉरी 4 इंच ली थी। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर की साइड को इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। चारों तरफ से हम इसे पहले ऊपर से हल्का हल्का फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसको इस तरीके से नीचे की साइड फोल्ड करके, ये देखिए ये हमारी ये इस तरीके से ये पट्टी बन जाएगी। तो मैं इसको एक बार फोल्ड कर लेती हूँ। अब हमें बेल्ट की जो ऊपर की साइड है उसमें आधा आधा इंच इस तरीके से इसको पलट लेना है पूरे बेल्ट में। इसको घुमाते जाएं और इसको इस तरीके से पलटते जाएं। सेम मार्जिन रखते हुए पूरी बेल्ट को इस तरीके से हमने इसको पलट लिया है। ये देखिए अब हमें फ्रंट साइड में तो ये हमारी पट्टी आ गई और बैक साइड में हमें यहाँ पर इलास्टिक अटैच करना है। तो ये इलास्टिक है 6.5-7 इंच मैंने इसकी लंबाई ली हुई है और इसको हमें जो हमारा पीछे वाला ये जो भाग है इस पे यहाँ बराबर बराबर अटैच करना है। दोनों साइड में इसको यहाँ पे एक बार अटैच कर लेती हूँ। अब इलास्टिक को इधर एक साइड में या इस पट्टी पे रख के सिलाई लगा के इसको यहाँ से पक्का कर लेना है। अब हमें इधर की साइड इस इलास्टिक को जहां तक ये हमारी पट्टी अटैच है वहां पर इसको इस तरीके से इसके बराबर बराबर लगभग इस तरीके से लेके इसको हमें यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ पर अब हम इसको पक्का कर लिया। अभी पूरी बेल्ट पर इस तरीके से हमें एक दाग की सिलाई करके इस बेल्ट को पूरा जोड़ लेना है। बराबर से आप इस स्कर्ट के कपड़े को और इसको पकड़ते जाइए और इस तरीके से इसकी सिलाई करते जाइए। पूरे को घुमाते हुए इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर ऐसे, पहले हमें बुकरम वाली जो पट्टी है उसको फ्रंट साइड में अटैच करना है और फिर बैक साइड में इलास्टिक वाली। बुकरम जो हमारी पट्टी थी वो एकदम आसानी से हमारे अटैच हो जाती है। अब हमें जो बैक साइड में जो इलास्टिक लगाया है उसकी पट्टी को एकदम ध्यान से खींचते हुए आपको इसको लगाना है। वो घुमाते ऊपर से जैसे हमने बुकरम की पट्टी को फोल्ड किया था उसी तरीके से इसको फोल्ड करते हुए यहाँ से एकदम सीधा बराबर करें और यूं। अब हमने इसकी इलास्टिक और ये जो आगे की जो पट्टी है उसको अटैच कर लिया है और मैंने इस पर इस तरीके से जो इसकी चोली की मैचिंग के इस तरीके से ये बटन लगाए ताकि ये और भी अच्छी दिखे। इस तरीके से ये हमारी स्कर्ट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।